हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सालिम्स बर्ड जॉटिक। मेरा नाम है मोहम्मद अवेज। आई होप आप लोग सब ठीक हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्ड मीनिंग के बारे में है। व्हाट इज बर्ड मीनिंग और मीनिंग का मतलब क्या होता है और बर्ड को वीन किस तरीके से करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो के अंदर जो बर्ड है वो ऑलरेडी बुक्ड है, वो सेल के लिए नहीं है। मेरे पास किसी ने प्री बुक करके रखा है, ये बर्ड सेल के लिए नहीं है। सन कॉर्नियर्स के बच्चे हैं, ये सेल के लिए नहीं है। अगर आपको सन कॉर्नियर के और दूसरे कोई भी कॉर्नियर्स के बर्ड के प्राइसेस जानने हैं तो मैं नीचे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक सॉरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो कॉर्नियर्स के टेंटेटिवली प्राइस क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। तो व्हाट इज वीनिंग, वीनिंग क्या है? वीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपका हैंड फीडिंग चिक जो होता है, हैंड फीडिंग बच्चा होता है बर्ड का, वो सेल्फ ईटिंग पे आता है। तो ये प्रोसेस को हम वीनिंग कहते हैं। लेम टर्म में बता दिया आपको, साइंटिफिक टर्म में नहीं बताया, जो नॉर्मल भाषा है उसमें बताया है कि जब हैंड फीडिंग से जब सेल्फ फीडिंग में बच्चा आता है तो उसे हम वीनिंग प्रोसेस कहते हैं। हर स्पीशीज का जो वीनिंग पीरियड होता है, जो समय होता है, वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नियर लॉलीकेट्स और सेनेगल जैसे पैरट्स है, उनका जो वीनिंग पीरियड होता है स्टार्ट फ्रॉम 8 वीक, मतलब जब वो 2 महीने के होंगे, टिल 12 to 13 weeks, मतलब 3 to 3.5 महीने के होंगे। तो ये पीरियड जो होगा वो वीनिंग पीरियड होगा। हर एक स्पीशीज का वीनिंग पीरियड जो होता है अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन ग्रे हो गया, अफ्रीकन ग्रे का जो वीनिंग पीरियड होगा वो इससे ज्यादा होगा। वो नॉर्मली स्टार्ट होगा 15th week से लेके 25th week तक के, मतलब उसका जो वीनिंग पीरियड होगा 2 months का होगा। कॉर्नियर्स का नॉर्मली 1-1.5 month का होता है। और जो बड़े स्पीशीज है जैसे मक्का वगैरह है, उनका और ज्यादा होता है। इवन बड़े जो बहुत हियंस मका हो गया या फिर स्कारलेट वगैरह हो गए हैं, उनका तो 4-4, 5-5 महीने का वीनिंग पीरियड होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा स्पीशीज है। इस वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मोस्ट ऑफ द ब्रीडर हो गए जो मेरे बताने वाला हूँ उससे अग्री करेंगे, हो सकता है कुछ लोग डिफर भी करें, बट सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए बर्ड वीनिंग एज के हिसाब से तो बता दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बर्ड का एज एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, तो जब बर्ड ब्रूडर में होता है या बास्केट में होता है, तो जो नीचे वुड शेविंग होता है, जब वो पिकअप करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ा चबाना स्टार्ट कर देता है, समझ लीजिए बर्ड वीन के लिए तैयार हो गया है, मतलब उसको वीनिंग स्टेज पे डालना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है इसके हिसाब से, बट एज के हिसाब से भी आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका वीन करने का ये होता है, अगर आपके पास में 5 या 6 महीने का सेम स्पीशीज का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल सन कॉर्नियर, अगर आपके पास में ऑलरेडी 5 या 6 महीने का सेल्फ फिटिंग बच्चा है, तो आप उसको जो आपके वीन बच्चे हो रहे हैं जो स्टेज में जिसको आपको वीन करना है उनके साथ में रखोगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जिस तरीके इंसान के अंदर भी छोटे बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों को देख के सीखते हैं, उसी तरीके से बर्ड भी अपने बड़े को देख के सीखने लग जाते हैं। जो बर्ड खा रहा है वो देख के फटाफट खाना सीखेंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको ये करना है, जब 2 time feeding पे आ जाता है या 3 time feeding पे है, तो जो आप जो फीडिंग टाइम स्किप कर रहे हो वो टाइम पे उसे खाने के लिए दीजिए। अब आप उसको खाने के लिए क्या देंगे, बॉइल पोटैटो दे सकते हो आप खाने के लिए, बीट रूट कैरेट को भी बॉइल करके दे सकते हो, ग्रीन पीस को बॉइल करके दे सकते हो, वेजिटेबल्स को बॉइल थोड़ा हल्का करके दे सकते हो, स्प्राउट्स को बॉइल करके दे सकते हो। हल्का सा बॉइल करना है, बहुत ज्यादा बॉइल नहीं करना है कि सॉफ्ट हो जाए, तो थोड़ा उसको मैश करके आप दे सकते हो। कैसा होगा, अब छोटा बर्ड होगा तो उसको कड़क चीज खाने थोड़ी तकलीफ होगी, तो ये खा सकता है इजीली, तो आप उसे वो दीजिए और उसको वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करिए। कैसा होता है, ये स्टेज में जो बर्ड सीखता है खाने के लिए तो नॉर्मली लाइफ टाइम तक के उसको याद रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बर्ड स्टेज के, बर्ड लाइफ में जो स्टेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप उसको वैरायटी ऑफ फूड दोगे तो बचपन से उसको वो चीज खाने की आदत होगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग में 10 दिन, जब 10 से 15 दिन जब वो 2 time feeding पे है तो ये दे रहे हो। जब आप 1 time feeding पे आ जाएगा, जब आपकी सिर्फ सिंगल रात में फीडिंग होगी, तो आप उसको हल्का हल्का स्प्राउट्स भी पैलेट्स देना भी चालू करिए और कभी कभी सीड्स भी दीजिए खाने की है, तो उसको पता होगा कि ये सब भी खाना है। आपको ट्रेनिंग करते टाइम बर्ड को जब स्टेप अप ट्रेनिंग सिखा रहे हो या दूसरी कोई ट्रेनिंग सिखा रहे हो, तो वो उसके लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा आगे जाके। तो उसको वो टाइम पे आप वेराइटी ऑफ फूड दीजिए और क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखिए, केज रेगुलर बेसिस पे क्लीन करिए वीनिंग स्टेज के अंदर, क्योंकि बर्ड छोटा होता है तो अपनी पॉटी भी उठा के खा लेता है, क्योंकि उसको समझता नहीं। इवन बड़े बर्ड भी खाते हैं कभी कभी, बट छोटे बर्ड ज्यादा खाते हैं ये सब चीजें, तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब
इस वीडियो में जो बच्चे हैं ये सब विनिंग स्टेज पे हैं। कोई बच्चा समझ लीजिए 9 वीक का है, इसमें जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है वो तकरीबन 2.5 महीने के ऊपर है, जो छोटा वाला है वो 9 वीक्स का है, 8 वीक्स के है, ऐसे बच्चे मिक्स है ये वीडियो के अंदर। और ये सब अभी खुद से खाना स्टार्ट कर दिए हैं और ये 2 टाइम्स फीडिंग पे है अभी, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में, बाकी टाइम पे ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे हैं। आई होप मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट्स आपके क्लियर किए होंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि जब एक सिंगल बर्ड होता है तो उसको वीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जब 3-4 ग्रुप में होते हैं ना तो वीन करना आसान होता है। क्या होता है, एक जब एक बर्ड खाता हुआ दिख जाता है तो बाकी के 3 लोग भी उसे फॉलो करते हैं, बट सिंगल बर्ड होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बर्ड देखिए वीन करते टाइम भी आपको बर्ड का वेट का बहुत ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है, वीन करते टाइम बर्ड का वेट लॉस होता है, नॉर्मल है, ये वेट लॉस होना नॉर्मल है। नॉर्मली स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करता है कितना लॉस होगा, किस किस का 10% होता है, किस 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 का 25% तक होता है, मतलब 10-25% तक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चा 2 महीने का 100 ग्राम का था फॉर एग्जाम्पल, तो वो वीन स्टेज में 75 ग्राम 90 ग्राम के आसपास फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि वो खुद से खाना सीख रहा है। तो आपको बहुत ये चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके पास वेट मशीन हो, आप उसका वेट मॉनिटर करते रहेंगे तो बेटर रहेगा, नोट डाउन करते रहिए पर डे वेट। और जिस जैसे ही उसका वीन पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब वो खुद से खाना चालू हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा वन टाइम फीड देना बंद कर रहा है। नॉर्मली बर्ड ही रिफ्यूज कर देता है खाना, तो अगर आप बंद कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। आप उसका वेट का ध्यान रखिए। बेसिकली मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिए हैं वीनिंग के लिए। कुछ और अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो भी क्वेरी है सॉल्व करूँ। तो बेसिकली ये होता है बर्ड वीनिंग के बारे में, किस तरीके से वीन करना है और उसका मतलब क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।